अंतरिक्ष, ये है आखिरी सीमा। सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचता रहा है। वहां क्या है? क्या हम अकेले हैं? आज हम अद्भुत तकनीक के साथ ब्रह्मांड का पता लगाते हैं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में उपग्रह और रोवर्स हमारी आंखें और कान हैं। कल्पना कीजिए कि एक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा रहा है। स्पेस टेलीस्कोप यही होता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वायुमंडल से बहुत ऊपर। यह हमें दूर के तारों और आकाशगंगाओं के बिल्कुल स्पष्ट दृश्य देता है। ये रोबोट से खोजकर्ता दूसरे ग्रहों की सतहों पर घूमते हैं। वे अविश्वसनीय चित्र और डेटा भेजते हैं, जिससे हमें अपने सौर मंडल को पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष की यात्रा शक्तिशाली रॉकेट से शुरू होती है। एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यात्रियों के रहस्यों को उजागर करते हैं। उपग्रह आकाश में हमारी आंखों की तरह है। वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और अनगिनत तरीकों से हमारी मदद करते हैं, लेकिन वे वहां कैसे टिके रहते हैं? यह सब गुरुत्वाकर्षण और गति के बारे में है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रहों सहित हर चीज को नीचे खींचना चाहता है। उपग्रहों को इस खिंचाव का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त गति से लॉन्च किया जाता है। उपग्रह उस तेज गेंद की तरह है जो पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिरती रहती है, लेकिन कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती है। कुछ उपग्रह पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, जिससे हमें मौसम के मिजाज पर नजर रखने, वनों की कटाई को ट्रैक करने और यहां तक कि समुद्र तल का नक्शा बनाने में मदद मिलती है। दूसरे संचार संकेतों को रिले करते हैं, जिससे हम फोन कॉल कर पाते हैं, टीवी देख पाते हैं और इंटरनेट ब्राउज कर पाते हैं। जबकि उपग्रह ऊपर से पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं, रोवर्स हमें दूसरे ग्रहों के भूस्तरीय दौरे पर ले जाते हैं। ये रोबोटिक खोजकर्ता कठोर परिस्थितियों का सामना करने और डेटा भेजने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह को ही लें। यह एक ठंडा धूल भरा ग्रह है, जिसका वातावरण पतला है। वहां इंसानों को भेजना चुनौती है, लेकिन रोवर्स इससे निपट सकते हैं। रोवर्स विशेष पहियों से लैस हैं, जो उन्हें चट्टानी इलाकों में नेविगेट करने देते हैं। उनके पास कैमरे हैं, जो मंगल ग्रह की छवियां भेजते हैं। वे जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, मानवता के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? चौथा भाग, स्पेस टेक टॉक, यात्रा को शक्ति प्रदान करना। अंतरिक्ष एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। यह अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। सांस लेने के लिए हवा नहीं है और सूरज से निकलने वाला रेडिएशन लगातार हर चीज पर बमबारी करता है। तो उपग्रह और रोवर्स इतनी कठोर जगह पर कैसे जीवित रहते हैं और काम करते हैं? इसका उत्तर सरल इंजीनियरिंग और उन्नत तकनीक में निहित है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शक्ति है। उपग्रहों और रोवर्स को कार्य करने के लिए निरंतर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। कई अंतरिक्ष यान सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने के लिए सौर पैनलों का उपयोग करते हैं। सूर्य से दूर के मिशनों के लिए, जहां सूर्य का प्रकाश कमजोर होता है, कुछ अंतरिक्ष यान परमाणु बैटरियों पर निर्भर करते हैं, जो दशकों तक बिजली प्रदान कर सकती हैं। संचार एक और बाधा है। पृथ्वी पर लगे बड़े एंटेना अंतरिक्ष यान से सिग्नल भेजते और प्राप्त करते हैं। पांचवा भाग, मिशन टू मार्वल एट सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम स्पेस। दशकों से हमने अनगिनत अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। प्रत्येक मिशन मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। सबसे प्रतिष्ठित मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है। 1990 में लॉन्च किया गया हबल ने दूर की आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और तारा बनाने वाले क्षेत्रों की लुभावनी छवियों को कैप्चर किया है,
जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ गई है। फिर मंगल रोवर्स हैं, सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और दृढ़ता। ये मिशन और कई अन्य मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अथक प्यास का प्रमाण है। छठा भाग, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आगे क्या है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। कल्पना कीजिए कि मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना, चंद्रमा पर एक स्थायी अड्डा बनाना या बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की खोज करना, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जीवन हो सकता है। भविष्य के मिशनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस रोबोट एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिससे हम मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना ब्रह्मांड के अधिक से अधिक हिस्से का पता लगा सकेंगे। सातवां भाग, कीप लुकिंग अप, द यूनिवर्स अवेट्स। तारों को देखने के शुरुआती दिनों से लेकर परिष्कृत उपग्रहों और रोवर्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने तक ब्रह्मांडीय अन्वेषण की हमारी यात्रा किसी असाधारण से कम नहीं रही है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के इन अविश्वसनीय कारनामों ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर अपने स्थान को जानने की अनुमति दी है। जैसे जैसे हम संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तारों को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने अंदर के आश्चर्य को कभी कम न होने दें।